अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज रियान खुर्शीद योर मैथ्स टीचर टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 17.4 ऑफ क्लास यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसफॉर्म एन आइसोसीलिस ट्रायंगल इनटू अ रेक्टेंगल एक आइसोसीलिस ट्रायंगल है जिसको हमने रेक्टेंगल में चेंज करना है आइसोसीलिसस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी एक साइड डिफरेंट होती है और दो साइड होती हैं वो आपस में सेम लेंथ की होती हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कोई भी एक आइसोसिलस बना देनी है ठीक है जिसकी दो साइड्स बराबर हों और एक साइड डिफरेंट लेंथ की हो और उसके बाद हमें क्या करना है उसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ऑफ एनी लेंथ किसी भी लेंथ की आप बना सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फोर सी एम या फाइव सी एम की एक लाइन लगा लेते हैं फोर सी एम की लगा लेते हैं ठीक है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसका नाम रख देते हैं ए और बी ठीक है नेक्स्ट आपने क्या करना है विद बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस अब हमने जो है वो कितना जितना मर्जी रेडियस रखना है ठीक है तो यहाँ पर हम थ्री सी एम रख लेते हैं छोटी सी ट्राइंगल बन जाएगी हमारा ईजी हो जाएगा थ्री सी एम की कंपस ओपन करके ठीक है हम बी के ऊपर रखते हैं ठीक है और एक आर्क लगा देते हैं ये आर्क हमने लगा दी नेक्स्ट हम क्या करेंगे विद सी एज सेंटर अब सी को सेंटर मानते हुए जितना रेडियस बी पर रख के लगाया था उतना ही रेडियस रख कर ए पर हम एक आर्क लगाएंगे जो उसको कट करेगी किस पॉइंट पे सी पॉइंट पे विद सी एज सेंटर ड्रा आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट सी जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका नाम सी अब सी को हम मिला देंगे ए से और सी को मिला देंगे बी से ज्वाइन ए टू सी एंड जॉइन बी टू सी उसके बाद क्या करेंगे हम अब ये हमारी जो है आइसोसिलस ट्राइंगल बन गई जिसमें ए सी और बी सी बराबर हैं ज्वाइन ए टू सी एंड ज्वाइन बी टू सी ट्राइंगल ए बी सी इज़ द आइसोसीस ट्राइंगल विद मैयर ए सी इज़ इक्वल टू मैयर बी सी मैयर ए सी और मैयर बी सी सेम है क्यों हमने रेडियस ही सेम रखा था रेडियस हमने चेंज नहीं था किया इसलिए तो अब हमें क्या करना है अब हमने इसको एक रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना है ड्रा द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी पासिंग थ्रू ई ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेकटर बनाना है जो जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ई e. तो परपेंडिकुलर बाइसेकटर आपको पता है कैसे बनाते हैं उसी लाइन की हाफ़ से ज़्यादा कंपस खोल कर एक आर्क लगाएंगे इसी तरह एक आर्क नीचे की तरफ भी लगाएंगे तो इसी सेम लेंथ को हमने कंपस को मूव नहीं करना अब ए पर आएंगे और इसी आर्क को कट करेंगे ठीक है इसी आर्क को ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी तो ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे इन पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो इस लाइन ए बी को बाइसेकट करेगी और किस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम यहाँ पर हमने रखना है ई e. ठीक है उसके बाद अब हमने क्या करना है ये लास्ट टाइम जो हमने 17.4 पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर वन किया था ये बिल्कुल उसी की तरह है अब हमने क्या करना है थ्रू ए यानी कि ए से हमने ड्रा अ लाइन एल पर पेंडिकुलर ए बी हमने ए नहीं यहाँ पर आता है सी थ्रू सी मतलब जहाँ पर सी है ना सी यहाँ पर हमने एक लाइन एल बनानी है ठीक है जो किस क्या हो पैरेलल हो ए बी के तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंपस लेंगे ठीक है हमने क्योंकि पैरल लाइन बनानी है तो पैरल लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये डी जहाँ पर ए है वहाँ पर हमें एक सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ेगा छोटा सा सेमी सर्कल ठीक है सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे ऊपर सी पे जाएंगे वहाँ पर भी एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करेंगे ठीक है वो तो सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा करेंगे ये सेमी सर्कल ड्रा हो गया ठीक है सेमी सर्कल बिल्कुल सही सा आपने ड्रा करना है इसको मूव बिल्कुल नहीं करना ठीक है ये ड्रा करने के बाद आपने इसका इंटीरियर एंगल मेजर करना है ये यह, यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है ये कितना बनता है ठीक है तो इंटीरियर एंगल को मेजर करने के लिए हमें इसको यहाँ से ऐसे मैयर करना पड़ेगा तो ये मैयर हम कर नहीं सकते क्यों क्योंकि हमारी कंपस ओवर कंप्रेस नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे यहाँ से आउटर वाला मैयर कर लेंगे ये आउटर वाला आउटर वाला यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ये आउटर वाला है बाहर वाला यानी कि ठीक है तो इतना यहाँ पे बाहर वाला है तो इतना ही हम यहाँ से ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ से हम बिल्कुल पर बिल्कुल ए बी के पैरेलल उसी डायरेक्शन में एक लाइन बनाएंगे जो सी पॉइंट के तकरीबन अंदर से गुजरेगी माइनर सा फ़र्क अगर आ जाए तो वो मैंने आपको बोला था आप एक डॉट से रिमूव कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर तो ये हमारी वो लाइन बन जाएगी एल जो हमने बिल्कुल पैरेलल बनाई है किसके ए बी के अब ये ए बी के पैरेलल बना लिया है तो लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया ओन एल यानी कि एल लाइन पर कट करना है सी डी सी और यहाँ कोई डी पॉइंट बनाना है ठीक है अब वो डी पॉइंट कहाँ ला के बनाना है जितना ये ई e, बी है तो उतना ही यहाँ बनाना है फिर उस डी को हम बी से जोड़ देंगे तो ये हमारी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगी <laughs> तो अब हम क्या करेंगे बराबर लेंथ रखने के लिए हम ई e और बी की लेंथ को मैयर कर लेंगे ठीक है कंपास के साथ उसको हम एडजस्ट करके कंपास को उसके बराबर एडजस्ट कर लेंगे करने के बाद हम आएंगे सी पर और एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे इस लाइन को कट कर देंगे अब ये जिस पॉइंट पर कट करेगी लाइन को वहाँ से हम स्केल की मदद मतलब से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे बी की तरफ और इस कटिंग पॉइंट जो कट पॉइंट है एल लाइन का उसका नाम हम रख देंगे डी तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगी सी डी बी ई ठीक है हैंस रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इज़ फॉर्म्ड तो हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगी